हम बहुत खुश हैं फ़िल्म के लिए और फिल्म रिलीज़ हो रही है 20 मार्च को इंडिया और ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है और ये एक बहुत प्यारी प्यार की कहानी जो आपको बोलती कि जाओ सपने देखो और यू you नो know, ये इतना अच्छा कर रही है अब हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है एक्चुअली मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने बहुत काम किया है एक्चुअली um, हम बहुत खुश हैं और जो विवेक कह रहा है कि द फिल्म इज अबाउट ड्रीम्स मेरे लिए भी ये ये फिल्म ये फिल्म की जो जर्नी है यहाँ तक कि हम अभी इन, इंडिया भी पहुँच गए इट्स रल ड्रीम कम ट्रू तो मैं तो इस, इसके बाद और भी ड्रीम्स में विश्वास करती हूँ तो मुझे लग रहा <laughs> so, एक, एक है मतलब एक स्टोरी, स्टोरी, मतलब एक अच्छी स्टोरी है। तो रोहिना गेरा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो उन्होंने कहानी लिखी थी वो राइटर भी हैं हमारे तो उन्होंने उन्होंने, उन्होंने आ, मेरे साथ एक मीटिंग की थी वो जब अश्विन जो मेरा किरदार है आ, उसके लिए एक्टर्स को ढूंढ रहे थे तो उस समय उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पढ़ने के बाद मैं उनसे मिला था और उस समय मैंने भी उन्हें कहा था कि ये जो चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं कि ये लव स्टोरी बहुत यूनिक है एक तरह से और मुझे कम पता है कि किन लोगों ने ये स्टोरी अप्रोच की है मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब्जेक्ट से इसमें ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है मुझे पता नहीं ये स्टोरीज़ कैसे देखी जाएंगी बट आफ्टर दैट फर्स्ट इनिशियल कॉन्वर्सेशन रोयना के साथ एंड टू अंडरस्टैंड कि वो किस दुनिया को बना रही थी वो डाउट्स धीरे धीरे निकल गए Uh, उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि जैसे आप एक चीज़ को पील करके लेयर लेयर निकाल के ना उसमें जो क्रक्स कुछ वो जो जिसको एक्सप्लोर करना चाहती थी वो कुछ और था जो वो चाहती थी मेरे कैरेक्टर में हो और शब्द जैसे रिस्पेक्ट इज़्ज़त किसी की डिग्निटी ये ये शब्द ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए प्यार करने से पहले अगर इंसान एक दूसरे में वो गुण ना देखे तो फिर क्या प्यार करेगा तो धीरे धीरे वो जो क्लास के बारे में जो फिल्म शायद बोल रही है ये जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे मैं समझ मैक्रो लेवल समझ समझता था बट एज एन एक्टर मैं कैरेक्टर की दुनिया में चला गया उनकी दुनिया में चला गया जिस दुनिया को ये क्रिएट करना चाहती थी तो दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड डिफ्रेंशिएट द टू बट हाँ it is a unique uh, uh, topic uh, definitely so it was very interesting that you know she was writing about it and having something new to push out there new way to tell a, a love story i thought that was very uh, beautiful mam director jaishekham trailer mein bhi dekha bahut natural lag raha hai ab location pe dekho pura mumbai hai bandra hai but the location aur bahut natural lag raha hai to kis tarah matlab aap kya kuch preparation kiya aapne ek script pe kis tarah aapne kaam kiya तो नेचुरल लग रहा है तो एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट गोज टू माई एक्टर्स क्योंकि uh, जो आपको एफर्टलेस लगता है बहुत काम करके ये, ये अपना अपना रोल निभाते हैं तो दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस एंड राइटिंग एक्चुअली जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी ना uh, मैं बार बार वापस जाके चीज़ें uh, का, काफ़ी चीज़ें निकाल देती थी एक्चुअली क्योंकि जब आप लिखे ना मैं मैं राइटर हूँ तो um, मैंने बहुत सालों तक स्क्रीन राइटर का जॉब किया है तो आपको थोड़ा टेंडेंसी होता है कि आप कुछ थोड़ा प्लॉट पॉइंट ऐसे डाल दें वैसे डाल दें कुछ ये कर दें मज़ा आ जाएगा वापस जाके अगले दिन में वापस जाके निकाल देती थी सो इन द प्रोसेस ऑल्सो आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट टू दीज कैरेक्टर्स जो 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 क्रिएट किया है ये इनके लाइफ में क्या हो सकता है एक्चुअली रियलिटी में क्या हो सकता है ये बात नहीं कि मैं ये इमेजन करूँ वो इमेजिन करूँ वो बात नहीं रियलिटी में क्या हो सकता है तो इसलिए मेरा भी अप्रोच वही था ऑनेस्टी के साथ चलने का और फिर लोकेशंस वगैरह तो हमने बहुत बहुत ढूंढ़ ढूंढ़ के निकाले हुँ. और फिर एक्टर्स ऐसे मिल गए तो वो नेचुरल फीलिंग आ गई मेरे ख्याल से okay, तो 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 टिक तो uh, जो टैलेंटेड जो जो, जो, जो भी हो लेकिन वर्किंग भी हो जो इन दोनों में है और गीतांजलि कोर्स जो बहुत ही टैलेंटेड है ऐसा लगता है कि वो काम करने की जरूरत ही नहीं उनको एक्चुअली सो तिलोत्मा के साथ जो हम आए जब एक बार तिलोत्मा मेरे मन में आ गई कि शायद तिलोत्मा को से बात करनी चाहिए इस रोल के लिए फिर वो अटकी गई मतलब और कोई भी सजेस्ट करे कोई भी बोले मुझे लगे फिर तिलुतमा ही बन गई रत्ना मेरे मन में और कोई था ही नहीं तो जब मैंने तलुतमा को स्क्रिप्ट भेजा मैं बहुत नर्वस थी कि मना करेगी कहेगी कि मैंने तो मानसून वेडिंग कर लिया आप लोग क्या सोच रहे हैं कि बार बार मुझे यही ऐसे ही रोल करने बहुत डरी हुई थी और फिर तिलुतमा का मुझे एक मेल आया कि मुझे तो ये फिल्म कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है मैं करना ही चाहूँगी ये सो इट जेल्ड वेरी क्विकली और मैं बहुत खुश थी एक्चुअली रियली रियली आई वॉज ग्रेटफुल दैट शी आई एम ऑल्सो फर्स्ट टाइमर तो उनको भी ट्रस्ट करना पड़ा कि ठीक है स्क्रिप्ट लिख लिया लेकिन फिल्म बनेगी नहीं बनेगी कैसे बनेगी एंड uh, विवेक को ढूंढने में टाइम लगा जो विवेक गम्बर बैठे मेरे पास में इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू फाइन द राइट कास्टिंग एक्चुअली क्योंकि मुझे कोई चाहिए था जो uh, ये जो अपर क्लास रोल है ना uh, उसको उसको निभाने के लिए कुछ मुझे कुछ को, कोई चाहिए था जो एक तो गुड लुकिंग हो जो ऐसे अपना अपर क्लास रोल ऐसे कर पाए यू नो हाउ वी टेक स्पेस जिन प्रिविलेज लोग हैं ना थोड़ा ऐसे बैठते हैं ऐसे नहीं बैठते, लिटिल डिटेल्स लाइक दैट कि लेकि, लेकिन लेकिन विदाउट बीइंग अग्रेसिव उसमें एक जेंटलिस्ट भी चाहिए थी सम लाइक लाइक, मेरे मन में ऐसे प्रिंस चार्मिंग टाइप का कोई था बट हु डीसेंट नाइस गाय तो टाइम लग गया थोड़ा ऑडिशंस uh, भी किए हैं और जब विवेक वेरी काइंड एक्चुअली शी द ऑडिशन सेवरल एक्टर्स और जब विवेक रूम में आया उसने प्रेपरेशन की थी आ गया ही फोकस्ड और जब उनका ऑडिशन हुआ साथ में ना उनकी जो केमिस्ट्री बनी तो मुझे इमीडिएटली लगा बस हो गया ओके सर आप आपके था था। और तिलोत्तमा uh, में जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और किस तरह मतलब तो हाँ जी भी दिला रहे, तो, आ, आ, तो एक तो थैंक यू सर आपने ऐसा बोला कि आपको केमिस्ट्री दिखी और अच्छी दिखी आ, ये यार ट्रिकी होता है आदमी खुद कोशिश करता है कि यू यू वांट टू वर्क विद योर को एक्टर्स एंड हैव दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री बट सबके साथ आना ना आना थोड़ा ट्रिकी थो थो हो जाता है तिलोत्मा एक तो इतनी सीनियर एक्टर हैं उन्होंने इतना काम किया और वो बहुत जनरस एक्टर हैं तो वो बहुत वेलकमिंग थे एक्टिंग प्रोसेस में टू टू डिस्कस विद मी कि हम हमारी ग्राफ कैसे बना रहे हैं किस तरह से रत्ना और अश्विन का ग्राफ बन रहा है क्या हम जो रोयना हमें इंडिविजुअली या टुगेदर जो भी हमें नोट्स दे रही है क्या हम वो फुलफ़िल कर पा कर, कर पा रहे हैं कि नहीं तो तिली और मैंने ये डिसाइड किया कि, कि, कि uh, शूट टाउन साइड होता था तो हम नॉर्थ में या तो अंधेरी बांद्रा साइड में थे तो हम लोग शूट पे साथ में जाते थे टू तो प्रैप और रात को शूट में वापस भी आते थे कि दिन में क्या सही गया क्या गलत गया कोई बात नहीं अगर ये ऐसे हो गया तो अगले दिन जो कर रहे हैं वहाँ पर हम ये फिक्स कर सकते हैं बट ये तो हम एज एन एक्टर कर रहे थे बाकी इज ऑल रोहिना क्योंकि उन्होंने किस तरह का एनवायरनमेंट बनाया है उन्होंने हमें एज एक्टर्स कैसे ट्रीट किया हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इनको मैं हम ओन कर सके एंड देन शी ट्रस्टेड अस टू टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप तो आई थिंक इन सब का मिक्सचर्स की वजह से ये केमिस्ट्री इतनी आसानी से आती है यू नो या डोमिनिक हैंडलिंग कैमरा या पारुल जिससे जिसने हमारा सेट एंड आर्ट डायरेक्शन किया है उन्होंने जिस तरह से जो रियलिटी हमारे लिए बनाई थी ना ये सारे टूल्स अंडर रोइनाज विजन उससे फिर एक ईज़ आ जाती है एंड देन इफ़ यू आर फेलो एक्टर्स जनरल देर इज नो ईगो एंड एवरीबडी नोज दर योर वर्किंग स्क्रिप्ट इस किंग मैं स्क्रिप्ट के बाद डायरेक्टर का विजन है उसमें अगर कोई डिबेट नहीं है ना सारी केमिस्ट्री आ जाती है सब लाइफ इजी हो जाती है मेरे ख्याल से बट हाँ तुम्हें मैं अगेन डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहूँगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि केमिस्ट्री हो सके बिकॉज इट्स सेंसिटिव आप एंड ऑल्सो आई गेस मैं और तिलोत्मा एक दूसरे को जानते हैं और तिलोत्मा का एक्सपीरियंस उनकी जेनरॉसिटी एज एन एक्टर एंड ऑल्सो मेरी दोस्त है तो मैं कुछ चीज़ें अगर मुझे नहीं समझ में आई मैं उनको पूछ सकता था उनसे सीख सकता था टू मेक श्योर दैट वी आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस दिस जर्नी बिकॉज वो अकेले नहीं हो सकता रत्ना की खूबसूरती को देखने के लिए आपको अश्विन की आँखें चाहिए और अश्विन के अकेलेपन या उसकी डिज़ायर्स देखने के लिए आपको रत्ना का सोल और सेंसिटिविटी चाहिए तो वो अकेले हो ही नहीं सकता एंड आई थिंक शी एंड रोयना ने ये सब देखा होगा uh, हमारे वर्कशॉप में यू you नो know, हम तो नहीं देख पाए वो हमारा काम है करना

तो ओरिजिनल टाइटल हाँ जी एक्चुअली uh, इसका इंटरनेशनल टाइटल सर है लेकिन सर जो टाइटल है इंडिया में महेश भट्ट के पास है महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के <laughs> पास है <laughs> तो हमे, हमें हमें वो टाइटल नहीं मिला okay, तो हमने uh, अलग सा थोड़ा लिख दिया इज लव इनफ क्योंकि इज लव इनफ इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन दैट द फिल्म इज आस्किंग और सर भी रखा हुआ है हमने तो ताकि <laughs> नहीं लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे ना आपको महसूस होगा कि हमने ऐसा टाइटल क्यों लग, क्यों रखा है अब मैं बताना आ, नहीं चाहूँगी हां जी पूछना हाँ जी नहीं नहीं आप देख के देख के पहले भी वही बात है ना हां जी तो इसलिए हमने तो इंडिया का अलग है बड़ा इजी था सर बाकी आप समझ गए ना समझ गए ना हाई लेवल मतलब स्टार प्रोजेक्ट स्टार प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोडक्शन है तो Case, तो जब आप जब जब आप कहेंगे ना कि बड़ा प्रोडक्शन करना है तो जब स्क्रिप्ट तैयार होगी तो मैंने जब भी किसी प्रोड्यूसर को दिखाया स्क्रिप्ट तो दो ऑप्शन होते हैं या तो आप बहुत छोटे बजट में बनाओ या तो आप आ, स्टार लेके आओ फिर फिर बड़ा प्रोडक्शन हो सकता है और ऑनेस्टली मुझे ये फिल्म अपने तरीके से करना था फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हूँ मुझे अपना विजन अपनी तरह से करना था और आ, मुझे जब मेरे मन में तिलोत्मा आ गई तो मुझे लगा मुझे तिलोत्मा ही चाहिए और उसके आगे मैं सोच नहीं सकती थी रियली थैंक यू <laughs> थैंक यू, <laughs> यू। क्योंकि मैं 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 सच कह रही हूँ मुझे कि, कि, किसी स्टार के पीछे जा, जाने का और इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर उस हिसाब से हमें हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें फ़िल्म जो बनानी है फर्स्ट फिल्म बना रहे हैं अपनी तरह से बनाएंगे फिर देखते हैं अभी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कॉम्प्रोमाइज मतलब स्टार को लेना अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ मान रहे हैं तो गलत बात है क्योंकि दो साल तक स्टार के डेट्स का वेट करेंगे हुँ, हुँ. तो ऑनेस्टली बनाने बनानी पड़ती है ये फिल्म ऐसे लिखी है तो इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म हाँ, हाँ तो और, और, ये ये जो आप बोल रहे हैं हाई स्किल प्रोडक्शन ये रोयना का हाई स्किल प्रोडक्शन ये भी एक हाई स्किल प्रोडक्शन ही है क्योंकि आज के आज के युग में फिल्म बनाना अपनी पहली फिल्म बनाना और जो फिल्म कान तक जा चुकी है पूरी दुनिया घूम चुकी है चालीस चालीस देशों में और ऑडियंसिस अवार्ड वो सब लेके और इंसिस्ट करना है यार स्टार बार मेरी फिल्म है बड़ी है ये एक लव स्टोरी है ये इंडिया की लव स्टोरी है ये मैं दिखाऊंगी और ख़ुद लाना इससे बड़ा हाई लेवल प्रोडक्शन मेरे लिए तो नहीं है तो आए तो बट मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ एंड अगेन दिस इस जवाब में आपको इस जवाब में आपको हमारे डायरेक्टर का कन्विक्शन पता चलता है और ये कन्विक्शन हमें रोज़ सेट पे पता चलता था एज एक्टर्स एंड इट इज़ गुड बिकॉज देन यू नो कि आप सही जगह गाइड हो रहे हो और होपफुली ये सब ट्रांसलेट होगा हमारी सर में इज़ लव इनफ सर समझ गए ऑडियंस भी कि, कि सर का क्या है और 20 मार्च को सर आप प्लीज़ हेल्प uh, कीजिए वायरल बॉलीवुड प्लीज़ हेल्प कीजिए वायरल बॉलीवुड भी देखिए और फ्राइडे ट्वेंटी मार्च को रोयना गेरा की डायरेक्टेड रिटर्न बाय फिल्म सर आ रही है जिसमें तिरोत्मा शोम एक्ट कर रहे हैं मैं विवेक गोम्बर भी कर रहा हूँ और गीतांजलि कुलकर्णी भी है और प्लीज़ कम फॉल इन लव विद रत्ना एंड अश्विन थैंक यू सर थैंक यू सो मच